गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी मेरी बात मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जस्ट एक सिग्नल मुझे दे दें, आइदर थ्रू चैट बॉक्स या फिर कोई भी सिग्नल आप मुझे दे दें, सो दैट ओके ग्रेट। सो मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है। मैं हूं राजीव और एमवे इंडिया मार्केटिंग टीम ईस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में। आज का हमारा प्रोग्राम है टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। यू नो, आप सभी को इस बारे में पता होगा, आप सभी को इसका ज्ञान होगा। इनफैक्ट मैं कहूं, अगर यहाँ पे किसी को नहीं होगा पता तो उसके उनको मैं बता दूं कि हर साल 20 मार्च, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च हर साल इंटरनेशनली वर्ल्ड ओरल हेल्थ केयर डे मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है हम सभी के ओरल हेल्थ को अच्छा करना। जितने भी ओरल हेल्थ से संबंधित जो डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते हैं, ओरल हेल्थ से आप सभी समझ पा रहे होंगे मेरा इशारा है टुवर्ड्स अवर डेंटल केयर, अवर माउथ केयर, ठीक है। सो हम लोग रोजाना, इनफैक्ट कहूँ तो हम लोग किसी न किसी प्रकार से आइदर थ्रू ब्रशिंग आवर टीथ या फिर अपने बहुत सारे तरीके हम नुस्खे आजमाते हैं अपने घरों में, अपने दांत को शाइन करने के लिए, अपने माउथ को क्लीन रखने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का यही है कि हम कैसे अपने आप को नॉलेजेबल तैयार रख सकें, अपडेटेड रख सकें उन सभी प्रोसेसेस से, जिससे हमारा ओरल हेल्थ जो है वो बना हुआ रहे और जो चैलेंजेस हम डेली बेसिस पे फेस कर सकते हैं उससे बचे रहें, उससे दूर रहें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओरल केयर के प्रॉब्लम होने से ना सिर्फ हमारा ओरल हेल्थ बल्कि हमारा ओरल हेल्थ भी इफेक्टिव होता है। और आप सभी इस समय मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आई विल से कि हम लोग यहाँ पे आज बहुत लकी हैं, क्योंकि आज इसके बारे में, ओरल हेल्थ केयर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी जो गेस्ट स्पीकर जुड़ी हुई हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं, क्योंकि हम आज जिनको बुलाए हैं ओरल हेल्थ केयर के ऊपर बात करने के लिए, शी हरसेल्फ इज अ प्रैक्टिसिंग जनरल डेंटल सर्जन एंड मैं आपको इतना बता दूं कि शी हैज हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years, ऑलमोस्ट 10 years इन फैक्ट आई वुड से। सो आइए बिना समय गवाए चलते हैं डायरेक्टली मैम से सुनते हैं कि हमें रोजाना अपने ओरल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, किसी प्रकार के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द गेस्ट स्पीकर ऑफ टुडे, डॉक्टर धृति पांडे। सो विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू इनवाइट Dr. Dhriti Pandey on the virtual screen. So, ma'am, over to you. Thank you so much, Rajiv. I hope मैं दिख रही हूँ और सबको सुनाई दे रही हूँ. पहले तो सबको very happy World Oral Health Day. आज का दिन जो है वो एक तरीके से खास तो है ही, but लोगों के लिए खास इसलिए है कि we should be thankful कि ऐसा दिन मनाया जा रहा है कि लोग दांतों की भी फिक्र कर रहे हैं, मुंह की भी फिक्र करते हैं। तो हमें इस चीज के लिए बहुत खुश होना चाहिए कि हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम मनाते हैं। हम मुंह का भी एक दिन मना रहे हैं, ओरल हेल्थ के लिए भी एक दिन मना रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। इट इज गुड फॉर एवरीवन हु केयर्स अबाउट देयर माउथ्स। इट इज गुड फॉर डेंटिस्ट लाइक अस जो एक चाहते हैं कि सबको ये एक अवेयरनेस हो ओरल हेल्थ के, ओरल हेल्थ के बारे में। तो आई थिंक उसके लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू एमवे कि आज मुझे इनवाइट किया गया है ओरल हेल्थ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में आप लोगों से बात करने के लिए। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जल्दी जल्दी फटाफट सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा मुझे अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप उनका, अगर आंसर्स वगैरह चाहिए होगा आपको तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले
आजकल कोविड चल रहा है, हम सबको पता है, लॉकडाउन धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, बट अब हमें भी पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और ये चीज़ तो अब हमें एक साल हो गया है इस चीज़ को, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे दिमाग में, वो होता है हम अपने दांतों की और ओरल हेल्थ, मतलब कि हमारी जो टंग होती है, जीभ, हमारे गाल, हमारे मसूड़े, हमारे दांत जिस हड्डी में बने हुए हैं, जिस हड्डी में बसे हुए हैं, उनका हेल्थ हम उसका हम ध्यान रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिनट, मैं स्लाइड शो स्टार्ट कर दूं। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने मुंह का ध्यान रखें, क्योंकि आप जो भी चीज खाते हो, जो भी चीज मुंह में डालते हो, जैसे भी उसको चबाते हो, वो सब चीज आपके अंदर जाता है। अगर वो चीज, अगर जो आप खा रहे हो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आप मुंह से उसका जो भी डाइजेशन होता है, पचाने की जो प्रक्रिया होती है, वो मुंह से स्टार्ट होती है। अगर वो ही गड़बड़ हो गई, पेट में गलत खाना जा रहा है, या पूरा पूरा आप निवाला लेके वैसे ही पेट में घुसा ले रहे हो, स्वॉलो कर रहे हो खाने को, तो वो चीज ढंग से बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगी। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ऐसी जो सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। तो उनका अब्सॉर्प्शन जो है बॉडी में तब प्रॉपरली होगा अगर हम अपने मुंह का ध्यान रखें, और मुंह से जो हमारा खाना पेट के अंदर जा रहा है वो हम ढंग से अंदर डालें। तो मुंह का जो हमको केयर करना है, बहुत लोग आज तक, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो अभी भी बाहर जाने से कतरा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सलाह ये है कि घर बैठे बैठे आप कैसे अपना अपने मुंह का ध्यान रख सकते हैं। आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हो, तो घर में जो है अपने मुंह का ध्यान रखने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है हमारा ब्रश। जो हमारा ब्रश होता है वो घर में एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं। हमारे अगर दांत साफ रहेंगे तो उसके आसपास के जो मसूड़े हैं वो भी स्ट्रांग रहेंगे। हम टंग क्लीनर अगर यूज करते हैं तो हमारी टंग साफ रहेगी, वो फिर इन्फेक्शन नहीं पैदा करेगी, और हम बार बार खाने के बाद कुल्ला करने की अगर आदत डाल लेंगे तो उस कुल्ला करने की वजह से हमारी टंग, टीथ, चीक्स, हमारे गम सब हेल्दी रहेंगे। तो The importance of brushing is to maintain healthy teeth and gums. ये बहुत जरूरी चीज है जो हमको समझनी है। दांतों की अहमियत क्या है? दांतों की अहमियत हम सबको पता है, मैं फटाफट बता देती हूँ। Appearance, chewing and impact speech. पर इसका मतलब क्या है? आप अगर एक छोटे बच्चे को देखते हो, छोटे बेबी को देखते हो, उसके दांत नहीं है मुंह में, या किसी बहुत बुजुर्ग इंसान को देखते हो जिन्होंने दांत नहीं लगवाए और उनके दांत मिसिंग है मुंह में, ऐसे लोगों को देख के अगर आप सोचोगे कि दांत नहीं है, क्यूट लगते हैं बड़ा, तो ये चीज नॉर्मल है। बट एक मिडिल एज्ड इंसान, एक टीनेजर, एक जवान इंसान, अगर उसके सामने के दांत मिसिंग हो तो बहुत अजीब लगता है देखने में। तो इसलिए अपीयरेंस जो है वो दांत सबसे पहले आपके अपीयरेंस को सुधारते हैं, अपीयरेंस को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। आपके दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, आगे क्यों होंगे, आपके दांत पीले होंगे, काले होंगे, सफेद नहीं होंगे, तो उससे अपीयरेंस में बहुत फर्क पड़ता है। दांत हमारे मुंह को, एक हमारे चेहरे को, हमारे फेस को एक हाइट देता है, फेस को एक स्ट्रक्चर देता है, तो ये सब चीज के लिए, अपीयरेंस के लिए दांत बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले समझाई, अगर खाना आप ढंग से मुंह से चबा के अंदर नहीं डालोगे, सारे जो इम्पोर्टेंट उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो च्यूइंग जो है वो दांतों, वो दांत आपको उसके लिए हेल्प करते हैं। हमारी जो दाढ़े होती हैं, मोलर्स जिसे कहते हैं, वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे सामने के दांत होते हैं वो दांत को बाइट, काटने में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी ये फोटोग्राफ यहाँ पे बनी हुई है, ये लड़का जो है एप्पल को बाइट कर रहा है, तो इसके लिए हमारे सामने के दांत इस्तेमाल होते हैं। पीछे के दांत सिर्फ चबाने के लिए होते हैं, आगे के दांत सिर्फ काटने के लिए होते हैं। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, पीछे के दांत नहीं है तो आगे के दांतों से चबाना शुरू कर देते हैं। उससे हमारे आगे के दांतों पे जोर पड़ता है, वो रिलेटिवली कमजोर दांत होते हैं, उनमें नीचे जो उनको पकड़ बना के रखते हैं वो सिर्फ एक जड़ होती है, तो वो एक जड़ के वजह से वो दांत आपका खड़ा है। आप सारे खाने का जोर अगर आपके सामने वाले दांतों में डालोगे तो वो धीरे धीरे करके घिस तो जाएंगे ही, वो ढीले पड़ जाएंगे, हिल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी
है कि हम अपने पीछे के दांत को बनाए, दांतों को बनाए रखें। कभी भी वो अगर मुंह में मिसिंग होते हैं, नहीं है आपके मुंह में, किसी कारण से निकाल दिए गए हैं या टूट गए हैं या खुद झड़ गए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको रिप्लेस करवाएं, दोबारा लगवाएं। जो तीसरी चीज होती है वो है हम कैसे बात करते हैं, वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे दांतों की बनावट। दांत हैं मुंह में कि नहीं है, मिसिंग है कि नहीं है, दांत कितने हैं मुंह में, वो बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे बोलने के तरीके को। सामने के दांत अगर मिसिंग होंगे, आप स एस वाले वर्ड्स जो होते हैं जिससे हवा निकलती है दांतों के बीच से, वो वर्ड आप ढंग से नहीं बोल पाओगे। ऐसे चीज को कहते हैं हैविंग अ लिस्प। वो लिस्प आ जाता है एक आवाज में अगर हमारे दांतों में कोई भी गैप होता है या दांत मिसिंग होते हैं। दांत अगर आगे को हो या पीछे को हो, उससे भी हमारे जो होंठ होते हैं उनको जो वो जैसे अब हमारे दांतों में बसे होते हैं, समाये होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मसल है, लिप्स के जो हमारे मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये दांतों के ऊपर रखे हुए हैं। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारे लिप्स पीछे चले जाएंगे, उतना ही हमको बोलने में तकलीफ होगी। टंग का जो मसल है वो आधा कंट्रोल में होता है, आधा खुद वो अपने को कंट्रोल करता है। टंग को कंट्रोल करने के लिए भी हमें दांत चाहिए होते हैं। दांत आपके अगर पीछे के नहीं होंगे, आपकी जीभ फैल जाएगी, मुंह में बड़ी हो जाएगी, उससे भी बात करने में तकलीफ हो जाती है। आपका मुंह अगर दांत नहीं हो मुंह में और मुंह की हाइट अगर छोटी हो गई, तो आपके होंठ ऐसे हो जाएंगे, आपका फेस जो है वो कलैप्स कर जाएगा, उससे भी काफी स्पीच में आगे जाके दिक्कत होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम मुंह में अपने दांत बना के रखें। कम से कम 28 दांत तो जरूरी होते हैं। कुछ लोग जिनके चारों के चारों अकल दाड़े आ जाती हैं, उनके फिर जाके 32 दांत होते हैं। तो 28 दांत तो हमको कम से कम मुंह में जरूरी है। वो 28 दांत अगर हमारे मुंह में ना हो तो हमें खाने में, बोलने में और दिखने में हमारे बिल्कुल बदलाव आ जाता है। फटाफट मैं आपको समझा देती हूँ दांत के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमारा जो दांत है, जो हमें ऊपर से जो सफेद पोर्शन उसका दिखाई देता है, वो उसको कहते हैं इनेमल। इस इनेमल को हम बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस मानते हैं। हमारी हड्डियों से भी ये स्ट्रॉन्ग होता है, पर इस्तेमाल के साथ अगर आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हो, या आप तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हो, या रात में आपको दांत कटकटाने की आदत है, आप स्ट्रेस के वजह से दांतों को घिस रहे हो आपस में, ये इनेमल भी घिस जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस इनेमल को बरकरार रखें, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी नुकसान अगर दांत में इनेमल के लेयर तक रहता है, मतलब कि इनेमल तक अगर आपका दांत क्रैक हुआ है, या आपके दांत में कीड़ा लग गया है इनेमल तक, या आपके दांत में कैविटी बन रही है, गड्ढा बन रहा है, कीटाणु लगे हैं इनेमल तक, तब तक आपको दर्द नहीं होगा दांत में। आपके दांत का शेप जरूर चेंज हो जाएगा, आपके दांत का कलर जरूर चेंज हो जाएगा, आपके दांत में आपको डिस्कलरेशन, रंग बदलना जरूर दिखाई देगा, बट आपको दर्द नहीं, क्योंकि इनेमल ऐसा पार्ट है जो जिसमें नसें नहीं होती हैं। तो इनेमल में कोई भी नुकसान अगर होता है, आपको उसमें, उसके टेक्सचर में, आपको उसके दिखावट में चेंज जरूर नजर आएगा, बट इनेमल में आपको दर्द नहीं होगा। इनेमल के बाद की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डेंटीन। ये डेंटीन ऐसी लेयर है जिसमें नसें शुरू हो जाती हैं। तो जो नसों की एंडिंग है वो आपके डेंटीन में जाके होती है। आगे जाके जो हमारा लेयर होता है उसको हम कहते हैं पल्प। तो जो ये पल्प वाला हमारा लेयर है, इसके अंदर हमारी नस होती है। इसके बाद जो ये डेंटीन है, इसमें हमारे नसों की एंडिंग्स होती है। तो आपके अगर दांत में कभी क्रैक आता है, या आपके दांत में कभी कीटाणु रखते हैं, और आपको दांत में झंझनाहट या दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका नुकसान जो है वो इनेमल से बढ़ के अंदर की ओर दांत में ज्यादा चला गया है। तो इस केस में फिर डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है। आप टूथपेस्ट से रीमिनरलाइजेशन, अब ये रीमिनरलाइजेशन क्या होता है, दांत में कैल्शियम और फास्फोरस से दांत हमारा बना हुआ है। अगर हमारे दांत में कोई भी कीटाणु लग गए, या दांत हमारा घिस रहा है, या दांत में कोई ना कोई तरीके का नुकसान हो रहा है, जैसे कि उन लोगों को नुकसान होता है जो खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में इनेमल जब घिसना शुरू होता है, तो जो वो घिस गया जो पोर्शन है, उसको हम कैल्शियम और फॉस्फरस है, वो अपने दांत से निकलते रहता है। तो अगर वो दांत से ये जो
मिनरल्स हैं ये निकल गए, इनको रिप्लेस आप एक टूथपेस्ट से कर सकते हैं, फ्लोराइड माउथ वॉश से कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का माउथ वॉश यूज करते हैं उससे आपका रीमिनरलाइजेशन हो सकता है, रीमिनरलाइजेशन जो है आपका टूथपेस्ट बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, आपकी जो ये परत है कैल्शियम और फॉस्फरस की, अगर इनेमल के लेयर तक उसको नुकसान पहुंचा है तब वो जाके रीमिनरलाइज हो सकती है। उसके बाद अगर वो परत आपकी डेंटीन तक पहुंच गई या आपका दांत को, आपके दांत को नुकसान पल्प तक हो गया, तब रीमिनरलाइजेशन नहीं हो सकता है। फिर ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाता है, ये दोबारा आपका इनेमल नहीं बनेगा। तो इस केस में फिर हमको डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है। तो हमारे दांत, जो हमारा जो दांत है वो तीन लेयर का है, एनामल, डेंटीन एंड पल्प। दांत में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर से जो हमें हिस्सा दिखाई देता है उसको कहते हैं क्राउन, जो सफेद रंग का हिस्सा होता है, और नीचे से जो हमारे दांत को एक पेड़ की तरह, जो जड़ की जो मजबूती, जो जड़ें जो होती हैं, जो आपके हड्डी के अंदर हड्डी के बीच में होती है, मसूड़ा जिसको ढक के रखता है, उस पार्ट को हम कहते हैं रूट। तो ये हुए हमारे पार्ट्स ऑफ द टूथ, और लेयर जो हो गई वो हो गई इनेमल, डेंटीन एंड पल्प। अब जो दांत है वो हमारे कैसे सड़ते और गलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में मैं आपको एक डेटा बताऊंगी, वो ये है कि सबसे ज्यादा जो एक डिजीज जो प्रेवलेंट है दुनिया में वो है डेंटल कैरीज, वो है दांतों में कैविटी। ये ऐसी बीमारी है जो हर इंसान में पाई जाती है। आप जितना मर्जी कह लो कि मेरे दांत तो एकदम ठीक है, मैं तो दो बार ब्रश करता हूँ, मैंने सफाई रखी है, कहीं ना कहीं किसी तरीके का टूथ डिके हर इंसान में पाया जाता है। वो इस कारण से क्योंकि हम जो हैं, हम जितना मर्जी अच्छे से भी ब्रश कर लें, हम फ्लॉसिंग भी कर लें, हम माउथ वॉश भी कर लें, कुछ ना कुछ मुँह में एक रह जाता है, कुछ ना कुछ डेब्री जो होती है खाने की, कुछ ना कुछ पीसेस जो होते हैं वो रह जाते हैं। इसके कारण आज मैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में आपको ये जरूर बताऊंगी, अपने डेंटिस्ट को साल में दो बार जरूर मिलिए। क्योंकि अगर आपके दांतों में, आपके दांत एकदम परफेक्ट हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम सीधे हैं, सफेद हैं और बिल्कुल उनमें कीटाणु वगैरह कुछ नहीं लगा है, ये आप अपने डेंटिस्ट से सुनिए, उनको आपकी दांतों की तारीफ करने दीजिए, पर आप उनसे मिलिए जरूर, जैसे आप समय निकाल के अपने डॉक्टर से मिलते हैं, कोई भी चीज के लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, अपने डेंटिस्ट को भी डेफिनेटली कंसल्ट करिए। आपका बेबी हुआ है, जब आपको दिखता है उसके मुंह में एक दांत आ गया है, दूसरा दांत आ गया है, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप शुरू से अगर अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे और बचपन से ही बच्चों की आदत डलवा देंगे, खुद से अपनी एक आदत डाल लेंगे कि साल में दो बार हमें डेंटिस्ट को जाके मिलना है, तो ये चीज, ये आदत आपकी बनी रहेगी और कोई भी दांत में, जीभ में, गाल में कहीं भी नुकसान हो रहा है वो आपको डेंटिस्ट बताएंगे। ये सब चीजें प्रिवेंट हो सकती है। देखिए, एक डेंटल कंसल्टेशन तो जरूरी होती है, बट आप खुद भी डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। और ग्लिस्टर जो है वो एक, जो उनका एक मोटो है जो वो चाहते हैं कि हम सब फॉलो करें, जो उनका 2x2 वर्कआउट जो वो कहते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में दो बार ब्रश करिए और समय, आपके समय का सिर्फ 4 मिनट चाहिए, सुबह 2 मिनट, रात को 2 मिनट, इतना ब्रश करना है, काफी है, इससे आपके दांत हेल्दी रहेंगे। बट एक डेंटल कंसल्टेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है, डेंटल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इस चीज के लिए एक अवेयरनेस जो है हमारे देश में ये बहुत जरूरी है और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये समझे कि ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत जरूरी। तो हम आ जाते हैं द कॉजेज ऑफ टूथ डिके, दांत हमारे कैसे सड़ते और गलते हैं। आज अगर आप में से किसी ने ब्रश नहीं किया है, आप अपनी जीभ लीजिए और अपने दांतों पे फेरिए। अगर आपको कुछ खुरदुरा सा अपने दांत में लगता है, कोई रफ चीज फील हो रही है, इसको कहते हैं प्लाक। आपके दांत में ये एक जर्म्स की लेयर, एक परत जमी हुई है, इसको प्लाक कहा जाता है आम भाषा में। जो ये प्लाक है बहुत आराम से ब्रश से निकल सकता है, अगर आप अच्छे से, ढंग से, मैं आपको आगे जाके ब्रश करने की जो करेक्ट जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, टेक्निक होता है ब्रश करने का, वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी। पर ये प्लाक जो है, अगर आप ढंग से ब्रश करेंगे 2 मिनट लगा के, आपके हर दांत से ये प्लाक निकल जाएगा। ये प्लाक अगर
जमता रहता है दांत में, तो ये आगे जाके इसको कैल्क्युलस कहते हैं या टार्टर। अगर ये प्लाक हार्ड हो गया फिर ये आपके ब्रश से भी नहीं निकलता है, फिर ये आपको डेंटिस्ट से मशीन से निकलवाना पड़ता है, जो हम स्केलिंग जिसे कहते हैं, जो दांतों की सफाई मशीन से की जाती है। तो हर दिन हमारे दांत में प्लाक की एक परत बनती है, सुबह शाम ब्रश करोगे तो ये परत निकलेगी। जो ये प्लाक होता है इसमें जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। आपने मान लो आज चॉकलेट खाया, चॉकलेट जो है आपके दांत में चिपक गई, रात को पूरे कीटाणु को समय होता है रात को कि वो ये चॉकलेट जो फंसा हुआ है दांत में इसके ऊपर, वो आपके कीटाणु को भी खाना चाहिए कुछ खाने के लिए, तो उनको ये चॉकलेट मिल गई है खाने के लिए। पूरी रात ये उस कीटाणु, ये कीटाणु जो है ये चॉकलेट को अटैक करते हैं, और जैसे हम हमारे मेटाबॉलिज्म में हम जब मेटाबलाइज करते हैं हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है, कीटाणु के शरीर से निकलती है एसिड, और ये एसिड जो बनता है मुंह में बिकॉज ऑफ द जर्म्स जो दांत में रह गया था उसको जो ये एसिड बना देते हैं वो हमारे दांत में आगे जाके कर देता है ऐसा गड्ढा। तो ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है दांत में इसको कहते हैं कैविटी, इसको कहते हैं कैरीज, और ये सबसे प्रेवलेंट डिजीज है पूरी दुनिया में। हर इंसान के मुंह में अगर चेक ना किया जाए तो बहुत कैविटीज तो अननोटिस चले जाती हैं, क्योंकि ये दांतों के बीच में भी हो सकती हैं। अब बीच के पोर्शन हमको दिखाई नहीं देता है, बीच का पोर्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें कैविटी बन रही है, कैविटी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, वो दांत को कमजोर करती है, दांत टूट जाता है। दांत अगर टूट गया, हमको दर्द नहीं हुआ और दांत ऐसे खुद से टूट गया, फिर उसको निकालना पड़ जाता है, फिर आपको नकली दांत पहनना पड़ता है। और मान लो ये कैविटी इतनी गहरी हो गई और हमें पता चला कि कैविटी गहरी हो रही है, खाना फंस रहा है, इससे हमें दर्द शुरू हो जाता है। अगर हमारे दांतों में दर्द शुरू हो गया, आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, आपका फिर इलाज जो है एक नॉर्मल फिलिंग भी हम नहीं कर पाते हैं, फिर हमको आगे जाके रूट कनाल ट्रीटमेंट, जो आपने सुना होगा RCT जिसे कहते हैं, फिर दांत में वो जाके आगे जाके करनी पड़ती है। कैविटीज को कैसे अवॉइड करते हैं? सबसे पहली चिपचिपी चीजें, जो चीज जाके दांतों के बीच में घुसे उनको अवॉइड करिए। स्पेशली जो टॉफी जिसमें कैरमल होता है वो दांतों में चिपक जाती है, लॉलीपॉप्स वो दांतों में चिपकता है, ऐसी चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीजें हैं, जूस पीजिए, अपने फ्रेश जूस निकाल के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, ये सब चीजें न्यूट्रिशनल जो होती हैं आपके दांतों का भी हेल्थ, मसूड़ों का भी हेल्थ बनाएगी। विटामिन सी जो है बहुत जरूरी होता है मसूड़ों के हेल्थ के लिए, मसूड़े आपके स्ट्रांग रहेंगे आपके बॉडी में अगर विटामिन सी की मात्रा बने रहेगी। तो सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि आपके अब तो किनू मौसम में, किनू और ऑरेंज का खैर मौसम चले गया है, मौसम आती है, आप मौसमी खाइए, ये सब जो है विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर द हेल्थ ऑफ योर गम्स। दूसरी चीजें जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बच्चों को तो खासकर बिल्कुल मत दीजिए, वो है एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि आपका कोक, पेप्सी, जो भी सोडा आपकी चीजें हो गई, सोडा आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये जो होती है इनमें जो इनके बुलबुले जो होते हैं वो ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, नुकसान करती है चीजें जैसे कि आपकी जो उसमें शुगर होता है, ये शुगर आपके दांतों को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप ये सोचो कि हम डायट पेप्सी पी लें तो क्योंकि उसमें शुगर कम होता है, उसमें एसिड होता है, क्योंकि ये ड्रिंक्स थोड़ी बहुत एसिडिक होती हैं, तो अगर आपको बहुत आदत है ड्रिंक्स को लेने का, स्पेशली छोटे बच्चों को जिनके दांत ऑलरेडी डेवलपिंग स्टेज में है, बन रहे हैं, उनको ऑलरेडी अगर आप ऐसे एरेटेड ड्रिंक्स दे दोगे तो उनको बहुत नुकसान होगा दांतों में, उनके एनामल में बहुत डैमेज होगा। तो ऐसी चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। पूरे दिन कुछ 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 खाना, ये भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक समय बना लीजिए खाने का और एक आदत डाल लीजिए कि मैंने जो भी खाया है उसके बाद मैं हल्का सा कुल्ला कर लूंगा, क्योंकि कुल्ला करने से ये होगा कि आपके आसपास कोई भी चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी फिलिंग्स होती है मुंह में, उन्होंने कैप लगाई हुई है मुंह में, ब्रिज होता है उनके, डेंचर पहना हुआ होता है, उन लोगों के लिए तो खासकर खाने के बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही चीज है जहां
आसपास जाके आपके खाना वगैरह जो है जो आप ब्रश से नहीं निकाल पा रहे हो जाके फंस जाता है। ये कैविटी तो करता ही है, गड्ढा तो बनाता ही है, मुंह से एक बदबू भी आने लगती है क्योंकि अंदर ही अंदर आपके जो एसिड बन रहा है, जो जर्म्स जो आपके खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, प्रोटीन जो निकाल रहे हैं, वो थोड़ा स्मेली होता है। तो उससे जो लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं मुंह से बदबू की शिकायत है मुझे, वो इस वजह से ही होती है। यहाँ वहां आपके कोई ना कोई मुंह में चीज है जहां पे खाना फंस चुका है, जैसे कि आप अपनी जीभ नहीं साफ कर रहे हो तो उसके कारण आपके मुंह में बदबू बन रही है। तो प्लाक से क्या क्या चीजें होती हैं? ब्लीडिंग गम्स, बसूड़ा, अगर आपका दांत हेल्दी नहीं रहेगा, दांतों में कोई भी ऐसी चीज चिपकी होगी वो जाके मसूड़े को इरिटेट करेगी, इरिटेट होगा मसूड़ा तो उसमें सूजन आ जाएगी, सूजन आएगा तो उसमें एक लालीपन सी आ जाती है। आप उसमें हल्का सा भी अपना ब्रश मारोगे, कभी ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आपने एप्पल काटा दांतों से और काटते वक्त एप्पल में आपको ब्लड नजर आया, तो ये ब्लीडिंग गम्स की शिकायत प्लाक की वजह से बहुत ज्यादा होती है। और इसी को हम आगे जाके जो ये ब्लीडिंग गम्स से शुरुआत होके आगे जाके लूज टीथ, टूथ लॉस एंड ऑल्टर्ड एस्थेटिक्स, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पायरिया, आम भाषा में आपने पायरिया सुना होगा, पायरिया आपके डेंटिस्ट ये वर्ड यूज करते होंगे, टीवी में आपने पायरिया जो टर्म है सुना होगा, तो ये चीजें मसूड़े की अगर खराबी हो जाती है तो उससे दांत और दांत हिल सकते हैं, दांत गिर सकते हैं, दाग लगते हैं प्लाक की वजह से, दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है, कैविटी हो जाती है, मुंह से गंदी बदबू आती है और धीरे धीरे जो है हमारे मुंह की हड्डी गलने लगती है। हड्डी है वो हमारे दांत को पकड़ के रखती है, अगर वो ही हड्डी गलने लग गई, ये आपका दांत है, ये हड्डी ने पकड़ा हुआ है, हड्डी धीरे 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 करके गल गई तो आपका दांत हिल जाता है, हिल के वो गिर जाएगा। अगर दांत गिर गया आपके मुंह में, आपका नेचुरल दांत नहीं रहा, फिर उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक डायग्राम है जिससे आप समझिए कैसे डेंटल प्लाक इफेक्ट करता है। ये देखिए कि हेल्दी टूथ है, इसमें पीले रंग की परत नहीं बनी है, ये प्लाक की परत है, ये जर्म्स की परत है। आपके देखिए मसूड़े भी हेल्दी हैं, एकदम गुलाबी रंग के मसूड़े हो रखे हैं। लालीपन जब मसूड़े में आने लगता है, मसूड़े में जब सूजन आने लगती है, उसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उससे मसूड़े में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मसूड़ा जो है वो आगे जाके आपकी हड्डी को खराब करता है। तो ये देखिए, हमने कोई एरेटेड ड्रिंक ली, हमने शुगरी खाना खाया जो दांत पे चिपक गया, बैक्टीरिया जो है वो प्लाक से वो इसी खाने को ब्रेक डाउन करके एसिड बनाता है, ये एसिड जो है मुंह का पीएच को गिरा देता है, गिर गया मुंह का पीएच, जैसे आप नॉर्मल जो वो साइंस समझिए, पीएच गिरता है तो वो एसिडिक एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है। एसिड जब बनेगा तो डीमिनरलाइजेशन, मतलब कि जितनी भी मिनरल्स हैं दांतों से वो लीच करेंगी, बाहर जाके निकलेंगी, फॉस्फेट और कैल्शियम निकल जाता है दांतों से और जो हमारा टूथ होता है उसमें आपका आगे जाके कैविटी और कैरीज बन जाते हैं। गम डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो डेंटल कैरीज जितनी प्रेवलेंट है उतनी ही मात्रा में लोगों में दिखाई देती है, क्योंकि गम डिजीज ऐसी डिजीज है जिसका कोई सिम्टम नहीं है, मतलब कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे दर्द लेके, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे सेंसिटिविटी लेके, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे मुंह से बदबू आ रही है वो लेके, लेकिन आप डेंटिस्ट के पास कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे मसूड़े में दर्द है, क्योंकि गम डिजीज में मसूड़े में दर्द नहीं होता है। एक दिन जाके वो आपको सिर्फ झटका देता है, लाल हो जाता है, दांत के बीच में यूं गड्ढा कर देता है और इस गड्ढे के कारण जो है आपका दांत जब एक दिन हिलना शुरू हो जाता है या आपके दांतों में इतनी गंदगी जम जाती है कि दांत लंबे लंबे लगते हैं, दांतों की एक लेंथ होती है, अगर दांत लंबे लगने लगे मतलब पायरिया शुरू हो गया है, तो और दांतों के बीच में अगर गैप बन जाता है, कुछ कुछ लोगों में कंप्लेंट होती है कि मेरे तो पहले कभी दांतों के बीच में गैप नहीं था, अब ये गैप कहाँ से आ गया, और धीरे धीरे समय के साथ ये गैप बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें गम डिजीज की एक साइन होती है और इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में कैसा हेल्दी टूथ है, गुलाबी मसूड़े हैं, इन्फ्लेमेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण देखिए कैसे मसूड़े लाल हो रहे हैं, मसूड़े और दांत के बीच में एक ऐसे पॉकेट सा बन जाता है, जगह बन जाती है, इसमें खाना जाके फंसना शुरू होता है, अंदर से वो दांत को परेशान करता है, दांत को इरिटेट कर देता है, हड्डी गलनी देखिए शुरू हो गई है, यहाँ पे कैसे गोल और अच्छी एक हाइट तक हड्डी बनी हुई है, यहाँ पे देखिए हड्डी कैसे गल रही
रही है, इन सब के वजह से, बोन लॉस के वजह से दांत झड़ जाते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचता है। अगर आप इस स्टेज में हमारे पास आते हो और कहते हो कि हमारे दांत को बचाओ, इस स्टेज में दांतों को बचाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि दांत आपका हिल चुका है। दांत का जो सपोर्ट था, जो हड्डी का उसे सपोर्ट मिल रहा था, वो खत्म हो गया है। इस केस में फिर दांत ही हमें निकालना पड़ता है। ओरल हेल्थ की अहमियत, आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, राइट? ओरल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप ये समझिए क्यों? क्योंकि यही ओरल हेल्थ जो है हमारे सिस्टमिक हेल्थ को, हमारे शरीर के हेल्थ को, हमारे जनरल हेल्थ को ठीक रखता है, बना के रखता है। एक तरीके से जो हमारे मुंह की जो कंडीशन है, हमारी ओरल कैविटी की जो कंडीशन है, इट इज लाइक अ मिरर to what is happening to the rest of your body. आपके बाकी की शरीर का की हालत क्या है, अंदर शरीर में क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका मुंह बताता है। For example, जिन लोगों को diabetes होती है, diabetics जो होते हैं वो, उन लोगों को आप अगर notice करोगे, आप में से अगर किसी को diabetes है और आप ढंग से अपने sugar levels को manage नहीं कर पा रहे हो, आप ये जरूर notice करोगे कि मेरे दांतों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, मेरे मसूड़ों से खून बहुत निकलता है, मेरे दांत हिल गए हैं, मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरी हड्डी गल रही है मुंह में, उन्होंने एक्सरे लिया और वो बता रहे हैं कि मेरी हड्डी गल रही है मुंह में। ये चीज डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो एक तरीके से एक डायबिटीज जो आपके पैंक्रियास की वजह से हो रहा है, उसका आपका असर देखिए मुंह में दिखाई दे रहा है। और ये एक साइकिल होती है, कैसे? आपके मुंह में अगर दांत नहीं हो, आप ढंग से खाना चबा के पेट के अंदर नहीं भेज रहे हो, उससे भी डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि आपने ढंग से खाना को मुंह में डाइजेस्ट ही नहीं किया, आपने वैसे का वैसे ही उसको पेट में दे दिया। पेट जो है उसने शुगर, आपके मुंह में शुगर का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, आपके इंसुलिन कितना आपका डाइजेस्ट कर देगा शुगर, कितना मेटाबोलाइज कर देगा शुगर। तो इस वजह से डायबिटीज, मुंह में दांत ना होने की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज है तो उसके वजह से भी पेरिडोंटल हेल्थ, मसूड़ों की हेल्थ बिगड़ सकती है। तो एक तरीके से ये साइकिल होती है। ये तो हो गई डायबिटीज की बात। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि दांत में अगर आपके कोई इन्फेक्शन होगा, उससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब आप पूछोगे दांत और हार्ट का क्या मतलब? कोई भी अगर आपके इन्फेक्शन मुंह से, मान लो वो डिसलॉज हो गया, निकल गया आपके मुंह से, और वो इन्फेक्शन आपके ब्लड में जाके पहुंचा, तो वो जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड से ट्रेवल करके आप हर आपके जो ब्लड से चीज होती है वो सब प्योरिफाई होके, सारा गंदा खून आपका हार्ट से प्योरिफाई होता है। तो हार्ट में अगर मान लो वो इन्फेक्शन पहुंच गया, वो डेफिनेटली आपको कोई भी हार्ट की डिजीज पैदा कर सकता है आपके शरीर में। तो मुंह का इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओरल कैंसर आजकल बहुत प्रेवलेंट है। ओरल कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिनको लोगों को लगता है कि शरीर का तो बाकी हिस्सों का तो कैंसर होता है, ओरल कैंसर कैसे हो सकता है? ओरल जो है वो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, बहुत कारणों से होता है। स्मोकिंग, पान चबाना, तंबाकू जो है उसको अपना होठ हटा के एक जगह तंबाकू रखना, जो आपके सुपारी होती है वो खाना, आपके मुंह में अगर दांत आपके पैने हो रहे हैं, शार्प हो रहे हैं, वो बार बार एक जगह आपके गाल को काट रहे हैं, बहुत समय बाद ये जगह भी जाके कैंसरस हो सकती है, वहां पे कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसे केस में माउथ कैंसर जो है उसके बहुत रीजंस होते हैं, और उनकी केयर करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी, इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। बहुत लोगों को स्मोकिंग से लगता है कि लंग कैंसर ही होता है, बट स्मोकिंग इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ पैलेटल कैंसर। पैलेटल कैंसर मतलब आपकी ऊपर की जो हड्डी है उसका कैंसर कर सकता है। गांव-गांव में बहुत लोगों की आदत होती है, वो बीड़ी को उल्टा फूंकते हैं, ये एक तरीका होता है उनका फूंकने का, एंड ये स्पेशली औरतों के साथ होता है। तो ओरल कैंसर गाँव में, स्पेशली विमेन में, औरतों में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो माउथ कैंसर भी, और आपका डेंटिस्ट जो है वो ही आपको सबसे पहले, कोई भी आपको अगर सिस्टमिक डिजीज हो रही है, कोई भी आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आपका डेंटिस्ट पूछेगा आपसे कि क्या आपको इसकी तकलीफ है, क्या आपके मुंह में क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, क्या आपको डायबिटीज है। सबसे पहले आपके डेंटिस्ट ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। क्या आपको साइनसाइटिस, नजले की प्रॉब्लम रहती है, क्या
आपको कोई ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल कंडीशन, कोई लंग की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपके डेंटिस्ट आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें जो आपके बॉडी में हो रही है आपके मुंह में दिखाई देती है। हम डेंटिस्ट, अब ये सारी बातें हो गई, अब हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हैं? हम दो चीजों के वजह से डेंटिस्ट के पास जाते हैं। एक हो गया दांतों में दाग लग रहे हैं, इनको हटा दो। दूसरा हो गया हमारे दांत में, हमारे मुंह से बदबू आ रही है। दर्द के वजह से तो जाते ही हैं, बट कुछ कुछ लोग इन कारणों से भी चले जाते हैं। तो जो दाग लगते हैं दांतों में, वो दो तरीके के होते हैं। कुछ कुछ दाग अंदर से ही होते हैं, कुछ दाग बाहर से लगते हैं। अंदर के जो दाग होते हैं वो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। ये उम्र के साथ दांत हमारे, जैसे कुछ लोगों को लगता है उनके दांत थोड़े ज्यादा पीले हो गए हैं, के बहुत रीजंस होते हैं पीलापन दांत में जो होता है। एज सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो दांत की ऊपर की जो परत है इनामिल, वो होती है वाइट कलर की, लेकिन अंदर की जो परत है डेंटिन, वो एज इन कंपैरिजन टू एनामिल थोड़े पीले रंग की होती है। तो अगर आपका एनामिल धीरे धीरे घिस रहा है, अंदर की पीला रंग अगर दिखाई दे रहा है, तो उसके वजह से दांत में एक पीलापन आ जाता है। दांत में अगर चोट लगता है तो दांत में आपके चोट के वजह से दांत काला होने लग जाता है, तो इस वजह से आपके दांत की अंदर से जो कलर है वो चेंज हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो अगर प्रेग्नेंट औरत ले तो बच्चे को जाके आगे जाके दांत में डिस्कलरेशन होता है। फ्लोरोसिस होता है, फ्लोराइड एक मिनरल है जो आपके पानी में मिलता है। इसकी मात्रा अगर पानी में ज्यादा हो, खारा पानी स्पेशली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं 6-7 साल की उम्र तक, तो आपके दांत में डेफिनेटली फ्लोरोसिस करके एक कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। बाहर के दाग जो होते हैं वो कॉफी, वाइन, स्मोकिंग, पान मसाला, इन सब के वजह से आपके बाहर के दाग जो होते हैं, अगर ये दाग एक हद तक ज्यादा हो जाए या आपके ब्रश से भी नहीं निकलेंगे, इसको फिर हम अपने मशीन से या ब्लीचिंग करके दांत को सफेद, जिस सफेदी जो कराते हैं दांत की, वो आप प्रोसेस करके आप ये स्टेन्स को निकाल सकते हैं। दांतों मुंह से अगर, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है, किसी की ऑलरेडी अगर फिलिंग हो रखी है मुंह में, या जीभ गंदी हो रही है, या कहीं ना कहीं खाना फंस रहा है, उन वो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है मुंह में, उससे हमारे मुंह में हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ की कंप्लेंट रहती है। कुछ लोगों में जो ये हैलिटोसिस है वो पेट के गड़बड़ होने की वजह से भी उनको ऐसा होता है। तो अगर ऐसी चीज हो रही है, आप डेफिनेटली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन को दिखाइए अगर आपको एसिडिटी वगैरह की ज्यादा शिकायत है। इस केस में आपकी अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो आपके मुंह से बदबू भी चले जाएगी। बट अगर आपको यस मुंह के बदबू की शिकायत है, तो प्याज लहसुन जैसी चीजें ऐसी अवॉइड करिए। ऐसा कहा जाता है कि दूध वाली चाय भी मुंह में काफी बदबू पैदा करती है, तो आप ग्रीन टी, ब्लैक टी पीजिए, वो एक फ्रेशनेस देती है मुंह में। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, सुबह शाम ब्रश करिए। आप देखिए, आप शुरू करिए प्रोसेस, एक हफ्ता रात को ब्रश करके देखिए, आपको देखना, आपको खुद इतना फ्रेश फील होगा, सुबह पूरे दिन आप फ्रेश रहोगे अगर आपने रात को ब्रश करना शुरू कर दिया तो। और इससे जो है बैड ब्रेथ जो होता है, मुंह से बदबू की भी कंप्लेंट धीरे धीरे कम होती है। तो अब आ गए हम टॉपिक में कि रात को ब्रश क्यों करना चाहिए। हमारे मुंह में जो थूक बनता है, जो सलाइवा बनता है, वो हमारे बैक्टीरिया को और हमारे खाने को नेचुरली पुश आउट करता है। वो उसकी मतलब भगवान ने ही ऐसा बनाया है, आप साइंस कह लो, उन्होंने हमारे दांत की ही बनावट ऐसी होती है कि सलाइवा जो है हमारे टंग की मदद से हमारे दांत को नेचुरली साफ रखता है। रात को ब्रश नहीं करोगे तो यही सलाइवा का जो प्रोडक्शन है मुंह में वो कम हो जाता है। तो रात को जो है, क्योंकि मुंह में सलाइवा नहीं बह रहा है, वो आपके कीटाणु को अपनी जगह पे रहने देगा, कीटाणु अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो ऐसे जो है डीके के चांसेस रात को बढ़ जाते हैं। यू आर मोर वल्नरेबल टू डीके। तो जो लोग सिर्फ वंस डे ब्रश करते हैं, ऐसा बहुत एक चांस है कि 33% उनके जो एक प्रोबेबिलिटी है दांत की सड़ने की, वो बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप ब्रश दो बार करते हो, आपके मुंह में 200 टाइप के बैक्टीरिया वैसे ही खत्म हो जाते हैं, आप वैसे ही हेल्दी रहोगे, इम्यून सिस्टम आपका वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट्स
each twice a day, 2x2 workout. आपके ग्लिस्टर का ये बहुत अच्छा जो इन्होंने ये एक मोटो अपना निकाला है, एक जो ये सबको एडवाइस जो ये देते हैं, ब्रश फॉर 2 मिनट्स ट्वाइस अ डे एवरी डे. आप ये ट्राई करिए खुद, आपको खुद एक डिफरेंस पता चलेगा. ट्वाइस अ डे आप डेंटिस्ट के पास सिर्फ अपनी तारीफ सुनने जाओगे कि आपके दांत, आपके मसूड़े तो बहुत हेल्दी हैं, एंड ये आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा. मुंह से बदबू आती है, दांत में दाग है, दांत मिसिंग है मुंह में, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी गिरा देता है. एक जो कॉन्फिडेंस होती है, एक जो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है, वो भी आपका इफेक्ट हो जाता है अगर दांत में कोई भी तकलीफ हो. क्योंकि सबसे पहले जो होता है इंसान का शरीर थोड़ा, सबसे पहले उसका चेहरा दिखाई देता है, उसके बाल, उसके कान, उसके दांत. एज अ डेंटिस्ट मैं सबके दांत ही नोटिस करती हूँ, और ऐसे आपके सामने कोई डेंटिस्ट आ गया और आपके दांत मिसिंग हो या हेल्दी नहीं हो, तो सबसे पहले वो आपको वही चीज पॉइंट आउट करके बताएंगे. तो ट्वाइस अ डे ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करेंगे तो प्लाक हटेगा, टार्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, गम डिजीज नहीं होगी, कैविटी नहीं बनेगी, आपकी ब्रेथ एकदम फ्रेश रहेगी, दाग हटेंगे मुंह से, कॉन्फिडेंस रहेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग बहुत कतराते हैं वो है कि डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं, आपके इलाज बहुत महंगे होते हैं. बिल्कुल गलत. जितना आप डिले करोगे, जितना आप हमारे पास दर्द लेके आओगे, उतना महंगा फिर इलाज होगा. जो पहले के जो बेसिक इलाज होते हैं, जैसे नॉर्मल दांतों की सफाई, जैसे नॉर्मल एक एक्सरे, जैसे नॉर्मल एक चेकअप, वो आप कुछ कुछ जगहों पे तो फ्री में भी करवा सकते हो. तो इसलिए सेव मनी बाय रेगुलरली विजिटिंग योर डेंटिस्ट. अगर आपके आप ऐसी आप बोलोगे मेरे दांत ही नहीं है, आप दांत लगा दो, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा. आपके हाथ, आपका हाथ नहीं है, आप हाथ लगवाने जा रहे हो, प्रोस्थीसिस लगाने में एक्सपेंस तो आता ही है. सेम चीज आपके दांतों के लिए है. इतना शरीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा मुंह में नहीं है, उसको आप रिप्लेस करने जाते हो तो उसमें तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट चार्जेस होते हैं. बट ये सब आप प्रिवेंट कर सकते हो कैसे, बाय ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, यूजिंग योर ब्रश प्रॉपरली. आप ढंग से पेस्ट इस्तेमाल करिए, कुल्ला करिए, पहले ही आप प्रिवेंशन करके रखोगे तो क्योर जो है उसमें आपको ना तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा. राइट ब्रशिंग टेक्निक जो है गूगल करिए, टर्म होता है मॉडिफाइड बास टेक्निक. थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अगर अच्छे से आ जाए, आपके दांत जो है अननेसेसरली घिसेंगे नहीं. हार्ड ब्रश कभी यूज नहीं करना है, मीडियम सॉफ्ट एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करिए. ब्रश को जो है 45 डिग्रीज के एंगल पे रखिए, आधा मसूड़े पे आधा दांत पे, और बाहर की तरह स्ट्रोक्स मारिए. मसूड़े की ओर नहीं ले जाना है ब्रश को, बाहर की ओर ले जाना है, गंदगी को बाहर पुश करिए. इसके बाद अपनी टंग क्लीन करने की भी आदत डालिए. ब्रश में पीछे होता है टंग क्लीनिंग के लिए, टंग क्लीनर्स भी आते हैं, आप प्लास्टिक वाला यूज कर सकते हैं. तो ये सब करने से आपका जो दांत है, मसूड़े हैं, उनकी हेल्थ बनी रहेगी. कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं जब हम टूथ ब्रशिंग करते हैं. सबसे पहले रॉन्ग ब्रिसल्स यूज करना या रॉन्ग टूथ ब्रश चूज करना. अपने हिसाब से अपने दांतों को देखिए. छोटे बच्चे के लिए छोटा सा बेबी ब्रश, जो जिन बच्चों के दांत अभी आए हुए हैं उनके लिए फिंगर ब्रश काफी रहता है. जिन जो अभी टॉडलर्स हैं, मतलब कि आपके 4-5 साल की उम्र तक, उनके लिए बेबी ब्रशेस आते हैं, उनके साइज का ब्रश यूज करिए. इनफैक्ट आप खुद जब ब्रश चूज करते हैं तो आप बहुत बड़ा ब्रश कभी ना लीजिए. ऐसा ब्रश लीजिए जिसका हेड छोटा हो. छोटे हेड जो है वो पीछे पीछे तक जाएंगे, अच्छे से साफ करेंगे. अक्कल दाड़े थोड़ी बाहर को आती है, उनमें जगह नहीं होती है ब्रश को जाने की. तो अगर आप छोटा हेड चूज करेंगे ब्रश का तो वो पीछे तक आपके अक्लदारों को साफ रखेंगे. सब जगह ब्रश करना है, अंदर के दांतों को भी, अंदर का जो लेयर है उसको भी साफ करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं ये मिस्टेक्स करेंगे तो सफाई ढंग से नहीं होगी. कुछ कुछ मिथ्स रहते हैं. शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैविटीज. आपने अगर खट्टा आम भी खाया है और उसका रेशा मुंह में रह गया है, उससे भी कैविटी हो सकती है. कोई भी चीज अगर मुंह में अटक रही है, फंस रही है, कहीं ना कहीं जाके बैठ गई है, उससे आपको कैविटी हो सकती है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो शुगर हो, कि वो मीठा हो, जरूरी नहीं है. कोई भी चीज मुंह में आप ढंग से अगर साफ करके नहीं निकाल रहे हो, उससे कैविटी हो सकती है.
सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को भी कैविटी होती है. दोनों जो एज ग्रुप्स हैं सब में कैविटी जो है बहुत प्रेवलेंट है. कैविटी किसी को भी हो सकती है. स्केलिंग ना कराएं. स्केलिंग जैसे मैंने बताया, हमारी मशीन से जो सफाई होती है वो आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है. बिल्कुल गलत बात है ये. आप जितना मुंह में टाटर और प्लाक लेके जाओगे, वो जितनी लंबे समय तक आपके दांतों में जमे रहेगी, वो आपके दांत को नुकसान ज्यादा करेगी. वो आपके दांत को हिला देगी, वो दांत आपके गिर जाएंगे. स्केलिंग से जो है यही गंदगी हम हटाते हैं, दांतों को और मजबूती देते हैं. तो स्केलिंग ऑप्शन जो है वो बहुत जरूरी रहता है. कुछ लोग जिनके जिनको पान मसाला या स्मोकिंग करने की आदत है, उनके दांत काले पीले हो जाते हैं. इस केस में अगर वो टीथ वाइटनिंग को ऑप्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक प्रोसेस है. वो डैमेज बिल्कुल नहीं करता है एनामल को. इनफैक्ट आजकल टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे मैं खुद अपने क्लिनिक में फॉलो करती हूँ. हम एक जूम एक ब्लीचिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं. वो हम क्लिनिक में करते हैं वो ब्लीचिंग. उससे क्या होता है कि आपके जो टूथपेस्ट आपको हेल्प कर रहा है रीमिनरलाइजेशन में, आजकल ब्लीचिंग मटेरियल्स ऐसे आ गए हैं जो दांत को रीमिनरलाइज करने में हेल्प करते हैं. और मैं ये ऑलरेडी लास्ट पॉइंट आपको समझा चुकी हूँ, डाइट एरेटेड ड्रिंक्स कुछ नहीं होते हैं, उनमें शुगर नहीं है बट उनमें एसिड जरूर है, वो भी आपके दांत को नुकसान कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत मिथ्स हैं दांतों को लेके जो लोगों के मन में होते हैं. ये मेरा लास्ट स्लाइड है. आपके दिमाग में अगर ऐसे कोई सवाल है कि ये करके ये होता है, ये करके ये होता है, आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी थैंक यू. वेरी हैप्पी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे टू ऑल ऑफ यू. आप बिल्कुल अपने दांतों का ध्यान रखिए, टंग का ध्यान रखिए, मसूड़ों का ध्यान रखिए. इन सब चीजों का आप ध्यान रखोगे, आपके आपकी बॉडी भी फिट रहेगी. बॉडी फिट रहेगी, कोई भी आपको ऐसी डिजीज जैसे कि डायबिटीज जो कि इम्यून सिस्टम को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करती है, ऐसी चीजें अगर आपको नहीं होंगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा. और आप इस टाइम पे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और इसी से आई थिंक हम कोविड को बीट कर पाएंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में अपने बॉडी का ख्याल रखने के लिए ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखें. ओवर टू यू राजीव. वाओ, ग्रेट, वंडरफुल मैम. वी आर ऑल सो मच मतलब ऑब्लाइज्ड कि आपने इतने बेहतरीन ढंग से, इतने सिंपल तरीके से इतना इंफॉर्मेशन हम सभी को दिया, विच इज वेरी मतलब एक्सप्रेसिव वर्ड्स. बट स्टिल यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनसे मतलब उनका फीडबैक तो यहाँ पे आएगा ही. लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर वेरी मच हैप्पी एंड देयर मतलब देयर कमिटेड. जो आपने यहाँ पे जो आपके पूरे प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने दो तीन चीजें जो नोट की कि नाउ वी कैन से दैट वी आर कमिटेड टू दीज टू थ्री पॉइंट जो आपने यहाँ पे शेयर किया. एक तो पहला कि हमें एक दिन में कम से कम दो बार तो ब्रश करना है डेली, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, इन अ ईयर आप सभी से, हाँ, और इनफैक्ट मेरा भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा जो मैम ने भी हमसे शेयर किया कि वी नीड टू विजिट आवर डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर सो दैट कि जब हम अपने दांतों को दिखाने जाएं तो हमारे डेंटिस्ट उनका मतलब उसकी तारीफ करें कि यस यू आर मेंटेनिंग इट वेरी हेल्दीली. और तीसरी चीज कि हमें ज्यादातर कोशिश यही करनी है कि एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, अगर हो सके तो शुगरी चीजें दूर रखनी है, और फल और सब्जी ज्यादा हमें इसका इंक्लूड करना है अपने डाइट में. सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली नाइस एंड सच अ वंडरफुल सेशन प्रेजेंटेशन. और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो With respect to oral health care, to kindly यहाँ पे chat box में डालें. Ma'am, we have got few queries. Since ma'am के पास time बहुत limited है, we'll just take on 3 to 4 important questions. एक question है ma'am कि दांत में गड्ढे हो गए हैं, उसके लिए क्या किया जाए? दांत में गड्ढे हो गए हैं, कैसे गड्ढे? काले काले गड्ढे जिसको हम कीटाणु लगना कहते हैं, वो गड्ढे हो रहे हैं. तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए. एक बार वो गड्ढे हो गए हैं और वो गहरे हो चुके हैं तो उस केस में फिर हमको उसकी उस गड्ढे को साफ करके
क्लेन जो दांत होता है, हेल्दी जो दांत का पोर्शन होता है उसको बाहर लाके फिर उसमें फिलिंग, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं मसाला भरना दांत में, वो फिलिंग की जाती है दांतों में। और आजकल फिलिंग जो पहले चांदी की फिलिंग कराते थे लोग, सोने की फिलिंग कराते हैं, आजकल दांत के कलर की फिलिंग हो गई है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि आपने फिलिंग कराई है। तो आप ये बिल्कुल करा सकते हो। तो इस केस में अगर आपको गड्ढे वैसे नजर आ रहे हैं, काले काले गड्ढे हो गए हैं, तो इसलिए इस रीजन के लिए आप डेंटिस्ट को विजिट करिए। दूसरे टाइप के गड्ढे जो अगर शायद आप वो कह रहे हो, दांतों में कुछ कुछ जैसे फ्लोरोसिस जो होता है उससे दांतों में नेचुरल गड्ढे बन जाते हैं, वो ब्राउन कलर के गड्ढे होते हैं। तो वैसे अगर गड्ढे हो रहे हैं और आपको सामने के दांतों में ज्यादा वो दिख रहे हैं और वो स्माइल करने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आते हैं। एस्थेटिकली कैसे, कॉस्मेटिकली आप कैसे अपने दांतों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस केस में भी आप डेंटिस्ट को विजिट करिए और वो आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, एस्थेटिक्स कॉस्मेटिकली कैसे आपके दांतों को सुधारा जा सकता है, वो आपको ऑप्शंस वैसे समझा देंगे। एब्सोल्युटली। और मैम ने जैसे अपनी प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को डेफिनेटली एक साल में अपने डेंटिस्ट से जरूर विजिट करें, सो दैट कि इस प्रकार की किसी भी क्वेरी को आप मतलब होने से पहले ही रोक सकें। ओके मैम, अनदर क्वेश्चन एक है, मेरी दांत में सेरन रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि आई थिंक आपने जो बताया था सेंसिटिविटी के इश्यूज के कारण झंझनाहट जो होती है, शायद ये वो पूछना चाह रहे हैं। झंझनाहट हो रही है दांतों में? जी जी। देखिए, झंझनाहट किस चीज से हो रही है? अगर आप आइसक्रीम खाते हो और उससे आपको झंझनाहट हो रही है जो 1 से 2 से 5 सेकंड तक रह रही है, तो वो नॉर्मल है। आइसक्रीम बहुत ठंडी चीज है, वो दांत में झंझनाहट पैदा करती है। बट यही झंझनाहट अगर आप नॉर्मल ठंडी चीज खा रहे हो, जैसे कि कोई फ्रूट जूस पी रहे हो जो कि ठंडा हो, या आप नॉर्मल पानी पी रहे हो और उससे भी आपके दांतों में अगर झंझनाहट हो रही है, तो दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। इसमें फिर आपको एक डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये झंझनाहट का कारण क्या है। बहुत रीजंस होते हैं, दांतों में कैविटी लगने से झंझनाहट होती है, दांत में कहीं क्रैक आ गया है उससे झंझनाहट होती है, दांत में अंदर ही अंदर आप घिस रहे हो दांतों को, प्रेशर के वजह से अंदर ही अंदर कहीं फ्रैक्चर हो गया है उससे झंझनाहट होती है, आप ब्रश बहुत हार्ड कर रहे हो उसके जैसे इनामल की परत को नुकसान पहुंच गया है उससे झंझनाहट होती है। किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि नींबू शायद नहीं खाना चाहिए ज्यादा, उससे झंझनाहट हो सकती है। नींबू एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा नींबू जो लोग चूसते हैं, उसकी आदत जो डाल देते हैं, उससे झंझनाहट हो सकती है। दांत इनामल की परत धीरे धीरे क्योंकि उससे गलने लगती है। तो ये सारी चीजें, ये अगर आपको लगता है इनमें से एक रीजन है और इस वजह से अगर आपको झंझनाहट है, तो एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट जो आपका ग्लिस्टर भी आपको डीसेंसिटाइजिंग में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली वो यूज करिए। अगर उससे भी आपको लग रहा है कि मैं डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज कर रहा हूँ एंड उसके बाद भी मेरी सेंसिटिविटी कम नहीं हुई है, देन विजिट योर डेंटिस्ट। जो कॉज है सेंसिटिविटी का, जो कॉज है, फिर हमें उस कॉज को ठीक करना पड़ेगा। डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट जो होता है जिससे झंझनाहट कम होती है, उसको यूज करने का तरीका होता है, दांत जिस दांत में आपको अगर सारे ओवरऑल लग रहा है ज्यादा, तो सब जगह लगा लीजिए, 1 मिनट लगा के छोड़िए, फिर ब्रश करिए। अगर आपको लगता है कि एक आध दांत में ज्यादा फील हो रहा है, तो उन दांतों में स्पेसिफिकली 1 मिनट लगाइए और फिर ब्रश करिए। और ब्रश जो है हमेशा से थोड़ा नरम ही यूज करिए। ब्रश नरम यूज करोगे तो दांतों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों को बचपन से आदत होती है, एकदम हाथ से घिस देते हैं दांतों को, एकदम झाड़ू की तरह ब्रश को यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल कोशिश करनी है कि जब भी आप ब्रशिंग करें तो आराम से करें, हाथों की ताकत ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। और अगर पहले से ही आदत बनी हुई है तो सॉफ्ट ब्रश यूज करिए कि दांतों को ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे मैम क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट अभी चैट बॉक्स इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड 25 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जिन लोगों ने क्वेश्चन डाला है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंस मैम के पास और हमारे इनफैक्ट हमारे पास भी टाइम इज वेरी मच लिमिटेड, तो हम लोग सिर्फ जो जनरल क्वेश्चन हैं उसको लेंगे। आपके जो पर्सनलाइज क्वेश्चन हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली डू विजिट अ डेंटिस्ट ऑफ योर, मतलब आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें। तो मैम एक और क्वेश्चन है विच कुड बी कॉमन, इफ एनी टूथ एक्स एवरी 3 to 4 months एंड गेट वेल बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस?
आप दवाई ले ले रहे हो कोई जिसके वजह से आपका दर्द ठीक हो जा रहा है, पेन किलर खाने की आदत मत डालो ऐसे। या तो आप देखिए, दांत बाकी के शरीर के जैसा नहीं होता है। आपको पेट दर्द हुआ, आपने पेट दर्द की दवाई खाई, पेट दर्द ठीक हो गया। बट दांत ऐसे नहीं होते हैं। दांत में जो दांत को प्रॉब्लम दे रही है चीज, जो कॉज है दांत की प्रॉब्लम की, दर्द हो, कालापन हो दांत में, पीलापन हो दांत में, सेंसिटिविटी हो दांत में, तो ये जो कॉज है हमें उसको ठीक करना ही पड़ता है। तो अगर जैसे बहुत लोगों को जो अक्कलदाड़ की दर्द का दर्द होता है कि मेरी अक्कलदाड़ आ रही है, उससे मुझे दर्द हो रहा है, पर वो साल में मुझे 3-4 बार होता है, वो ठीक हो जाता है, तो ये जो दर्द है ये ठीक है, आपने दवाई खाई, आपने एंटीबायोटिक्स का 3 दिन का कोर्स किया, आपका दर्द ठीक हो गया, ओके, कोई बात नहीं, ये आप ऐसा करो। बट आगे जाके ये नुकसान करेगा, क्योंकि एक दिन ये चीज इतनी फ्लेयर अप हो सकती है, आपको सूजन आ सकती है। इस केस में आपके फिर एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डेंटिस्ट को विजिट करिए। आपके डेंटिस्ट अगर आपको खुद सलाह देते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके इसको अभी फिलहाल प्रॉब्लम को रोक सकते हो, तो आप ऐसा करिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं, सेल्फ मेडिकेट अपने को कभी मत करिए। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक कॉज होगा, पहले जाके उस कॉज को ढूंढिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि मुझे 3-4 महीने में कभी हो जाता है ऐसा दर्द, मैं मोस्ट लाइकली ये कह रही हूँ इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर विजडम टूथ। कहीं कैविटी लगती है तो उसका भी दर्द ऐसा होता है कि आज होगा कल जाके ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज नहीं खाई जिसकी वजह से वो दर्द पहली बार हुआ था। आपको आपने आज आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम से आपको दर्द हुआ, आपने 4 महीने फिर आइसक्रीम नहीं खाई वो दर्द के डर के वजह से, तो ये चीज गलत होती है। आप कॉज को पहले ठीक करिए, आप चीजें अवॉइड मत करिए और सेल्फ मेडिकेट तो डेफिनेटली मत करिए। ठीक है, तो ये जो आपको कभी कभी दर्द ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ये दांत का एक्चुअली बहुत बड़ा ये सिम्टम होता है। देखिए, हमारी जो नसें होती है ना, अगर वो खुल जाती है, एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाती है, दांत के बीच में जो मैंने बताया पल्प है, जो एक्सपोज अगर हो गई तो टूट गया दांत या कीटाणु लग गए और वो पल्प एक्सपोज हो गया, तो वो जो है अपने बॉडी में भी हमारी क्षमता होती है कि वो अपने को ठीक करे। इसी से इम्यून सिस्टम, यही इम्यून सिस्टम है हमारा, बॉडी अपने को ठीक कर लेती है, तो पल्प भी अपना रिएक्शन देता है, अपने को आज दर्द देगा, कल परसों ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बट एक दिन ऐसा होगा कि बॉडी भी गिव अप कर जाती है, बॉडी भी फ्लेयर अप होता है फिर वो प्रॉब्लम, तो वही पल्प एक दिन आपको ऐसा दर्द देगा कि आप बिल्कुल झेल नहीं पाओगे उसको। लौंग का तेल भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इस केस में फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है दांत को, दांत की, सीधे आप डेंटिस्ट के पास जाइए। ओके, एंड एक लास्ट क्वेरी है मैम, ऑल द क्वेरीज आर वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत बहुत सारी क्वेरी हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, बट हम लोग यहाँ आज के सेशन के लिए एक लास्ट क्वेरी मैम से रखते हैं कि मैम हाउ टू गेट रिड ऑफ प्लैक। बिकम हार्ड, प्लाक जब हार्ड हो जाता है उसको टार्टर कहते हैं, हमारे डेंटल टर्म्स में उसको कैल्कुलस बोला जाता है। एक बार ये आपका हार्ड हो गया मुंह में और आपको दिख रहा है कि हार्ड हो गया है, इसके बहुत साइंस होते हैं, दांत लंबे लंबे नजर आने शुरू होते हैं। ये प्लाक जो है ज्यादातर नीचे के दांतों में जमा होता है और यहाँ आपकी दाढ़ों के पास जमा होता है ज्यादा। ये प्लाक अगर जमने लग गया, उसके आसपास के मसूड़े इरिटेट होने लग जाते हैं। ये एक बार अगर शुरू हो गया और आपको पता चल रहा है कि मुंह में प्लाक जम गया है, प्लाक हार्ड हो गया है, टार्टर बन चुका है, डेंटिस्ट को विजिट करिए, मशीन से ये टार्टर निकाला जाएगा। ये अब आपके ब्रश से नहीं निकल सकता, ये जम जाता है दांतों में, एक तरीके से चिपक जाता है दांतों में। तो ये आप कोई, आप स्पेशली टूथपिक तो बिल्कुल मत कभी यूज करिएगा। टूथपिक यूज करके कभी भी दांतों की सफाई, खाना अगर दांतों के बीच में फंस रहा है, टूथपिक वगैरह तो बिल्कुल आप इस्तेमाल मत करिएगा। ये आपको लग रहा है कि मेरा प्लाक हार्ड हो गया है तो आप सीधे डेंटिस्ट के पास जाइए। अब इसका सोल्यूशन यही है कि मशीन से निकाला जाएगा। ये ऐसे ही छोड़ दोगे आप इसको तो फिर ये इवेंचुअली आपका मसूड़े को गला देगा, हड्डी को गला देगा और दांत आपका झड़ जाएगा या हिलने तो डेफिनेटली लग जाएगा, स्पेशली एज के साथ। और जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं ज्यादा, नीचे के 4-5 जो दांत होते हैं ये डेफिनेटली उनके हिलते ही हिलते हैं, क्योंकि मुंह में टाटर जमा हुआ है। ओके, सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वेरी वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव इनपुट्स। जो यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं वो डेफिनेटली अपने मतलब ओरल केयर को
हेल्दी रखने में इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ नहीं पाया, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू रखेंगे तो देन विल गो फॉर अराउंड 2 to 3 hours एंड वी डू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर कि आज मैम ने हमें जो इनपुट्स यहाँ पे दिए हैं अपने वैल्यूबल इनपुट्स के जरिए, हम दो तीन चीजें जैसा मैंने पहले समराइज किया था फिर से एक बार आप सभी को बता दूं, यहाँ पे हम लोगों को दो तीन चीजें हैं आपको, जैसे कि आपने देखा कि मैम ने बताया कि हमारा जो ग्लिस्टर अभी ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, सो दैट इज मल्टी एक्शन विच इज अवेलेबल इन 2 different फ्लेवर्स। आप सभी जानते हैं कि अब हर्बल भी अवेलेबल है, आपका ग्लिस्टर एडवांस टूथब्रश है, उसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करें, डेंटिस्ट विजिट्स करें 1 साल में 2 बार, और जहां तक हो सके अपने डाइट को जितना तक आप मतलब फूड एंड वेजीज के तरफ ही रखें, दैट विल बी गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ एंड ओरल केयर ऑल्सो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक मैम, थैंक यू डॉक्टर दी फॉर सच अ वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन, थैंक्स वंस अगेन, और यहाँ पे आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना समय निकाला इस सेशन को ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए। सो टिल देन हम लोग अगली बार जब मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को मैं मतलब शुभकामना के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं। गुड बाय एंड हैव अ गुड वेरी नाइस इवनिंग। थैंक यू एवरीवन।